हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ नेरिस को। नेरिस आपके बीएससी फर्स्ट ईयर का जूलॉजी के सेकंड सेमेस्टर हायर नॉन कॉर्डेटा का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि फाइलम एनेलिडा से लिया गया है। इससे पहले मैंने आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड काफ़ी थिंग्स अपलोड किए हैं, जो कि नेरिस से हैं या फाइलम एनेलिडा से हैं, तो आप उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो आपको वहां से प्लेलिस्ट मिल जाएगी हायर नॉन कॉर्डेटा की। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम आज क्या क्या थिंग्स डिस्कस करेंगे नेरिस से रिलेटेड या नेरिस के रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। ओके, तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि जनरल इंट्रोडक्शन, आखिर नेरिस के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है उसका एक जनरल व्यू देखेंगे, और किस तरह से इनकी बॉडी की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है वो सभी थिंग्स। फिर इसकी डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे या प्रोसेसिंग देखेंगे, गैमेट्स में किस तरह से फॉर्मेशन होता है गोनेट का, एंड डेवलपमेंट किस तरह से होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस किस तरह से होती है, और जो जायगोट है उसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है, और कौन कौन सी इसके अंदर लार्वल स्टेजेस, जैसे आपका ट्रोकोफोर लार्वा काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन थिंग्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ नेरिस। ओके, तो माय डियर, अगर हम इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो इनमें जो सेक्सेस होते हैं वो मेनली सेपरेट होते हैं। सेपरेट का मीन्स है कि मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं, और डायोसियस होते हैं। इसी प्रोसेस को, मतलब ये अलग अलग पाए जाने की प्रोसेस, मेल ऑर्गन सिस्टम अलग है, अलग एक ऑर्गेनिज्म है, और फीमेल का ऑर्गन जो सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वो एक अलग सेपरेट फीमेल में हो, तो इसी तरह के हम एनिमल को कहेंगे डायोसियस एनिमल। तो जो नेरिस है इसमें वेल परफॉर्म्ड या वेल फॉर्म्ड गोनेट्स पाए जाते हैं, लेकिन जो टेस्टिस और ओवरी होते हैं वो रेगुलरली और रिकॉग्नाइज नहीं होते। मतलब एक फेवरेबल टाइम आता है तभी वो जनरेट होते हैं, देन ब्रीडिंग करके, यानी ब्रीडिंग सीजन आता है, उसके बाद रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन करके फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इन थिंग्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो गोनेट्स जो हैं वो इनके अंदर एक सिलोमिक कैविटी पाई जाती है, सिलोमिक एपिथेलियल सेल्स होते हैं, वहाँ एक खाली कैविटी होती है जिस कैविटी को हम सिलोमिक कैविटी कहते हैं। उससे जो गोनेट्स हैं वो टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो ब्रीडिंग सीजन जब इनकी लाइफ में आता है, इनकी लाइफ साइकिल में आता है, तब वो जनरेट होते हैं। ओके, तो जो गैमेट्स हैं वो रिलीज्ड होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया जो है वो मेल है, एंड ऊगोनिया से ऊगोनियम बनता है, यानी ओवा बनता है। तो आपका स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऊगोनिया से बनेगा ओवा, जो कि सिलोमिक कैविटी में ही मैच्योर होते हैं। ओके, आप इसकी स्ट्रक्चर को एक बार देखिए, ये होती है नेरिस की स्ट्रक्चर। देन आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे ये पेरिस्टोमियल टिश्यूज हैं, फिर यहाँ पर टेंटिकल्स, एंड ये देखिए प्रस्टोमियम, पेरिस्टोमियम, ये सेगमेंट्स, इनकी बॉडी पूरी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, देन ये पैरापोडिया, और यहीं पर जो गोनोपोर है या गैमेट्स हैं वो फॉर्मेशन होता है 13 और 14 सेगमेंट में। ओके, तो हम उन थिंग्स को भी डिस्कस करेंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो डियर, इनकी बॉडी में जो मेल गोनेट्स या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का फॉर्मेशन है वो मेनली जो इनकी बॉडी है उसमें स्पर्मेटोसाइट सेल से बनते हैं। जो सिलोमिक कैविटी होती है वहाँ पर स्पर्मेटोसाइट सेल्स होते हैं जो कि डिवीजन करके स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। फिर जो स्पर्मेटोगोनिया है वो ट्रांसफ़र हो जाता है स्पर्म में, जिसको आप देख सकते हैं ये हेड और टेल, इस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो जो मेल हैं वो डेवलप होते हैं, एक पेयर ऑफ टेस्टिस इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेगमेंट 19 और 25 सेगमेंट के बीच में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 19 और 25 सेगमेंट के बीच में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन या स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करते हैं। गोनेट्स इनमें अनक्लियर होते हैं और टेम्परेरी होते हैं, और गोनोडक्ट्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं मेनली, और गैमेट्स जो हैं वो रिलीज्ड होते हैं मेनली नेफ्रिडिया के थ्रू, या इनकी जो बॉडी वॉल है उसके रप्चर होने की प्रोसेस के द्वारा। ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ
रप्चरिंग ऑफ बॉडी वॉल यानी रप्चर होने से गोनेट्स बाहर आएंगे, गैमेट्स बाहर आएंगे या नेफ्रीडिया जो इनका नेफ्रीडियो पोर होता है उससे बाहर आते हैं, ठीक है। और इनके अंदर टेस्टिस जो हैं अदर स्पीसीज में अलग अलग हिसाब से होते हैं। इनके अंदर जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो जो ग्रुप्स ऑफ सेल्स हैं वो पिंच ऑफ होते हैं और टेस्टिस जो हैं जो सिलोमिक फ्लूइड में टेस्टिस का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। सिलोमिक फ्लूइड का यूज़ करके टेस्टिस का फॉर्मेशन करते हैं और जो ये सेल्स हैं फिर ये डिवीजन करते हैं और डॉटल सेल्स बनाते हैं, तो फिर उसके बाद स्पर्म बनता है। स्पर्म जो होता है वो जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि रॉड शेप का होता है और डिवाइड होता है हेड में और एक बिब्रेटाइल टेल होती है। बिब्रेटाइल का मतलब है कि वो लोकोमोशन इस तरह स्पाइरल वे में लोकोमोशन करती रहती है और इसी के थ्रू ये गैमेट्स का फॉर्मेशन करके फिर फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे ओवम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो डियर, जिस तरह से स्पर्मेटोसाइट से डिवीजन करके स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हो करके फिर वो ट्रांसफॉर्म होता था स्पर्म में, तो सेम उसी तरह से जो हमारा फीमेल है उसके अंदर ओगोनिया बनता है और वो सिलोमिक जो फ्लूइड होता है उनमें इलेक्ट होता है। फिर ये मैच्योर होकर के सिलोमिक फ्लूइड में इलेक्ट होकर के मैच्योर होकर के दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक योल्क बनता है और एक विटिलाइन मेम्ब्रेन बनता है। ओके, तो चलिए हम इसी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो जो फीमेल में ओवरीज होती हैं वो पूरी बॉडी में यानी अलोंग द इंटायर बॉडी उसमें प्रेजेंट होती हैं, अपेयर होती हैं और ये मेटामेरिकली अरेंज्ड होते हैं और एक तरह के पेयर हर सेगमेंट में पेयर में प्रेजेंट होते हैं। मतलब जैसे ये बॉडी होती है नेरिस की इस तरह से सेगमेंट में डिवाइड होती चली जाती है, इस तरह से होते हैं ये सेगमेंट में डिवाइड होते हैं, तो हर सेगमेंट में एक पेयर में ओवरीज प्रेजेंट होते हैं। जब ओवा यंग होते हैं तो ये डिटैच होते हैं ओवरीज से और सिलोमिक फ्लूइड के थ्रू जहाँ पर ये मैच्योर होंगे अटेन करेंगे मैच्योरिटी को और ये जो इनकी ओवरीज होंगी और टेस्टिस होंगे ये लिब्रेशन के बाद जो सेक्स सेल्स होते हैं लिब्रेटेड आउट जब होंगे बॉडी से बाहर आएंगे तब डीजनरेट हो जाएंगे। और मैच्योर सेल्स जब मान लीजिए ये मैच्योर हो गया फुल्ली ओवा, ओवा मैंने बताया कि फीमेल है उसमें ओगोनिया बनेगा जो कि सिलोमिक फ्लूइड्स में इलेक्ट होगा, फिर ये मैच्योर होने के बाद डिवाइड हो जाएगा योल्क और विटिलाइन मेम्ब्रेन में। तो जो मैच्योर सेल्स हैं वो लिब्रेटेड होंगे जो आपके टेम्प्रेरी अपर्चर होंगे जैसे बॉडी वॉल का रैप्चर हो गया या एक तरह से नेफ्रीडिया के थ्रू ये बाहर निकल गए तो वहाँ से ये फर्टिलाइजेशन करेंगे और फर्टिलाइजेशन इनकी बॉडी में एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल का मतलब है कि बॉडी के बाहर होगा, जो सी वाटर होता है उसमें होगा। तो फिर क्या होगा कि इनकी बॉडी में जो सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो डॉर्सल सिलिएटेड ऑर्गन है वहाँ पर ओपनिंग होगी, तो जो सिल्यूमोडक्ट है एक तरह की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी सिल्यूमोडक्ट, वो एक्ट कैसे करने लगेगी गोनोडक्ट की तरह। ओके, तो ये प्रोसेसिंग होगी। एक बार मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, शो करती हूँ। तो डियर, मैंने ये नेरिस की बॉडी का एक तरह से ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझ में आ जाए कि कहाँ पर जो सिलोमिक कैविटी होती है इनकी बॉडी में वो प्रेजेंट होती है। तो आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पे जुड़े हुए हैं, देन ब्लड वेसल के बाद आपका ये पैलियल ब्लड वेसल्स होते हैं, एक सेकेंड। फिर क्या सेप्टम ये प्रेजेंट होता है बाहर की स्ट्रक्चर सेप्टम, फिर ये देखिए ये इंटेस्टाइन होती है जो आपको ग्रीन कलर की वॉल दिख रही है, फिर जो ये वॉल के बाहर ये जो खाली कैविटी है ये जो कवरिंग पोर्शन है इस पोर्शन को हम कहते हैं सीलम, ये बॉडी कैविटी होती है जहाँ पर फॉर्मेशन होता है आपके गोनेट्स का। देन यहाँ पर देखिए ये नेफ्रोस्टोम होता है, यही गोनोपोर है एक तरह से, सॉरी नेफ्रीडिया है बोल सकते हैं हम, ये नेफ्रीडियो पोर है जिससे बाहर निकलता है वेस्ट मटेरियल। फिर यहाँ पे देखिए ये वेंट्रल ब्लड वेसल एंड नर्व कॉर्ड एंड लेटरल न्यूरल ब्लड वेसल्स एंड सब न्यूरल ब्लड वेसल्स एंड ये देखिए नेफ्रिक ट्यूब्यूल पेरिफेरल नर्व एंड क्यूटिकल आउटर जो लेयर होती है, सर्कुलर मसल प्लेट्स होते हैं यहीं पर, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर होते हैं, फिर ये देखिए मेटा नेफ्रीडियम होता है यहाँ पे स्ट्रक्चर। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि सिलोमिक कैविटी कहाँ पर होती है, किस तरह से प्रेजेंट होती है। तो आपको डायग्राम का ध्यान रखना है अपने एग्जामिनेशन में भी। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं।
तो जब इनकी बॉडी में गोनेट्स का फॉर्मेशन होता है तो इनकी बॉडी में कुछ तरह के स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो जैसे नेरिस जो है उसमें स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स डेवलप हुए तो उसे हमने कह दिया हेट्रोनेरिस। तो यही स्ट्रक्चर है, तो इसके बारे में हम कुछ थिंग्स डिस्कस करेंगे, तो देख लेते हैं उसे भी। तो क्या होता है कि जब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है तो वो इंड्यूस करता है चेंजेस को, जिनकी जो इनकी पोस्टीरियर हाफ होता है बॉडी का, वहाँ पर चेंजेस होते हैं। तो क्या होता है कि नोटेड होते हैं, क्रिटिकल अपीयरेंस में नोट्स किए हैं साइंटिस्ट जो थे उन्होंने। तो क्या उन्होंने नोटिस किया कि जो प्रोस्टोमियल आइज़ हैं वो इनलार्ज हो जाती हैं, और जो टर्मिनल सेगमेंट हैं वो प्रोड्यूस करते हैं जो सेंसोरी पैपिला होते हैं उनको। पैपिला इनकी बॉडी में ऐसा एक तरह से हम बोल सकते हैं ऑर्गेन होता है जो कि इनका सेंसरी ऑर्गेन का वर्क करता है। ओके, तो देखिए जो इनकी प्रस्टोमियल आइज़ होते हैं, इससे पहले मेरे आप बाकी जो इसकी एक्सटीरियर मॉर्फोलॉजी है और इससे रिलेटेड थिंग्स हैं उनको जाकर के वीडियोस को भी देखें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ेगी। तो जो प्रोस्टोमियल आइज़ हैं वो इनलार्ज हो जाती हैं और टर्मिनल सेगमेंट जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सेंसरी पैपला को। तो इस तरह के फॉर्मेशन के बाद जो फॉर्म आती है जिसमें सेक्सुअली फुल्ली तरह से नेरिस डेवलप हो जाता है तो उसे हम कहते हैं हेट्रोनेरिस। तो क्या होता है कि इनकी बॉडी में सेक्सुअल और असेक्सुअल दो तरह के पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं। तो जो असेक्सुअल पार्ट होता है जहाँ पर डेवलप नहीं होता फुल्ली गोनेट्स वगैरह, तो उसे हम कहते हैं एटोक एंड जहाँ पर सेक्सुअल पार्ट डेवलप हो जाता है उसे कहते हैं एपिटोक। तो जो हेट्रोनेरिस होता है ये एक तरह का फ्री स्विमिंग वॉर्म होता है, ठीक है। तो चलिए इसे भी हम देखते हैं। तो ये ऊपर का हेड है पार्ट, देन ये इतना पार्ट है एटोक और इतना पार्ट है एपिटोक। एपिटोक क्यों खा? क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल जो जितने भी पार्ट्स हैं वो डेवलप हो गए। तो हेट्रोनेरिस स्विमिंग फ्री करता है, स्विमिंग करता है फ्रीली, जो वाटर है वाटर का सरफेस है वहाँ पर। देन इनकी जो बॉडी है वो दो डिस्टिंक्ट पार्ट में डिवाइड होती है, एक को कहते हैं अटोक पोस्टीरियर और सेक्सुअल पार्ट जो है उनको कहते हैं एपिटोक, जहाँ पर डेवलप होते हैं उसकी बॉडी के लोअर पार्ट में, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट में। तो इस तरह में जो चेंजेस होते हैं उनमें जो पोस्टीरियर हाफ हैं बॉडी के वो साइज़ में इंक्रीज होते हैं पहले, और फिर सेकेंडली फॉर्मेशन करते हैं लीफ लाइक आउटग्रोथ्स का, जो लोब्स हैं वहाँ पर। ओके, तो ये प्रोसेसिंग होती है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ओवम बना था उसमें जो एग्स का फॉर्मेशन होता है वो एग का डेवलपमेंट किस तरह से होता है और वो फुल्ली मैच्योर किस तरह से होता है। ओके, तो अगर हम इसके मैच्योरेशन की बात करें तो इसमें दो आउटर मेम्ब्रेन्स होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। जो ये आउटर ऊपर की लेयर है इसे कहेंगे कोरोना रेडिएटा, देन आएगी सेकेंड वाली जो लेयर है इसे कहेंगे जोना पेलोसिटा, ठीक है। फिर यहाँ पर ये प्री पेरीवेटिलाइन स्पेस होता है, यहाँ पर जो स्पेस खाली है। फिर ये मेम्ब्रेन इसे वेटिलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं, ये जो फ्लूइड भरा हुआ है इसे कहेंगे साइटोप्लाज्म, देन अंदर होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो आउटर कवर जो होता है वो थिन होता है और जो इनर वन होता है वो ब्रॉड होता है, जैसा आप देख सकते हैं रेडियल सेरिएशन में स्ट्रिएशन में, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन है जब इनकी जो इनकी कवरिंग होती है जिलेटिनस होती है और कंसिस्टेंसी एक तरह से इस स्ट्रक्चर में होती है। ऑयल डॉपलेट्स और एग जो हैं वो जब इनकी बॉडी में साइटोप्लाज्म होता है एग का, ये जो न्यूक्लियस है ये योल का फॉर्मेशन करते हैं, देन ये विटिलाइन मेम्ब्रेन बसती है जब सेक्सुअल प्रोसेस होती है इनके अंदर, फर्टिलाइजेशन होता है तब। ओके, तो जब वाटर में स्पर्म और ओवा फ्यूज होते हैं आकर तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में किस तरह के चेंजेस होते हैं वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब स्पर्म सेल जो होता है वो ओवम में या एग में एंट्री करता है तो किस तरह के चेंजेस होते हैं। जो इनर रेडिएटेड सेल्स थी जो मैंने आपको अभी बताई थी, वो जो लेयर थी वो डिसॉल्व हो जाती है और जो एग है वो कंप्लीट होता है मैच्योरेशन फेज में आने के लिए और वो डिवाइड होने लगता है टू पोलर बॉडीज में। जो एग है यहाँ पर देख सकते हैं टू पोलर बॉडीज में डिवाइड होने लगता है। देन जो एग है वो एक्सिबिट होता है इरेगुलरली, मतलब
काफ़ी इरेगुलरली उसमें मूवमेंट होने लगती है और डिवाइड होने लगता है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स हैं उनमें रीअरेंजमेंट होने लगता है। ओके, तो डियर आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं क्लीवेज। ओके, मैंने डेवलपमेंट भी यहाँ पर लिख दिया। डेवलपमेंट का मीन्स है कि किस तरह से बॉडी जो है नेरिस की वो डेवलप होती है। तो क्लीवेज की प्रोसेसिंग को अभी हम डेवलप करेंगे, सॉरी डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है इनकी लाइफ में, जो इनकी लाइफ साइकिल है उसमें जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, जो अभी मैंने बताया कि इनर जो लेयर होगी, जो साइटोप्लाज्म होगा, वो ऑयल ड्रॉपलेट्स और योल की तरह एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर में डिवाइड होने लगेंगे। फिर क्या होगा कि जो उनका सेंटर है वो डिवाइड होगा, एक तरह से उसकी जो साइड है उसको लीव करने लगेगा। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है वो एक साइड में आने लगेंगे, और जो जायगोट है वो फाइनली स्फेरिकल शेप में, इस तरह से स्फेरिकल शेप में बन जाएगा। फिर वो स्फेरिकल शेप में बनने के बाद डिवीज़न स्टार्ट होगा उसमें। तो इसी डिवीज़न को हम कहते हैं क्लीवेज। तो आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ द क्लीवेज, क्लीवेज क्या होता है, तो आपको ये बोलना है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, मीन्स कि मेल और फीमेल जो ऑर्गेन्स हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, गैमेट्स हैं, जब एक दूसरे को फ्यूज़ करते हैं, उसके बाद जो प्रोसेसिंग होती है डेवलपमेंट की, या उसकी जो शेप है और जो साइज़ है वो डिवाइड या डिवीज़न की प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्लीवेज। तो क्या होता है कि इनकी बॉडी पहले दो डिवीज़न करती है, मियोसिस करती है। तो ये जो सेल्स हैं इन सेल्स को हम कहते हैं मैक्रोमेयर्स। एक होती है मैक्रोमेयर्स और एक होती है माइक्रोमेयर। आप देख सकते हैं बड़ी वाली मैक्रोमेयर एंड छोटी वाली माइक्रोमेयर, ठीक है। तो जो यहाँ पे देखिए, फिर ये माइटोसिस के प्रोसेस के बाद फोर सेल्स बनेंगे। तो जो इनमें एक सेल होगी वो लार्जर होगी बाकी के थ्री सेल्स से, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब क्या होता है कि जो ये माइक्रोमीयर्स बने, यानी सॉरी जो मैक्रोमीयर्स बने, ये अनइक्वली डिवाइड होने लगते हैं थ्री सेट्स में, और काफ़ी पहले थ्री, फिर एक तरह से ट्वेल्व, एंड इस तरह से माइक्रोमीयर्स में डिवाइड। ऊपर का जो पार्ट था, पोर्शन था, वो डिवीज़न करने लगता है, एंड जो नीचे का पोर्शन था वो डिवीज़न करने लगता है। बोल सकते हैं कि जो पहला अनइक्वल डिवीज़न है वो मैक्रोमीयर्स में होता है, फिर जो फोर माइक्रोमीयर्स हैं वो इक्वल साइज़ के प्रोड्यूस होते हैं। फिर क्या होता है कि उनमें सेकेंड अन इक्वल डिवीज़न होता है मैक्रोमीयर्स में, जो फोर मोर माइक्रोमीयर्स को जनरेट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इस टाइम पे क्या होता है कि तीन जो है वो सेम साइज़ के और एक ही लार्ज, मतलब एक नंबर में जनरेट होते हैं। फिर अनइक्वल डिवीज़न होता है इनमें, और क्या होता है इसके रिजल्ट के थ्रू माइक्रोमीयर और मैक्रोमीयर साइजेस में इंक्रीज कर जाते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह की स्टेज बना लेते हैं। तो इस स्टेज को हम कहते हैं ब्लास्टुला। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, चलिए आगे। अब क्या होता है डियर, हमें पता है कि क्लीवेज किस तरह से होता है। पहले टू सेल्स बनते हैं, देन उसके बाद फोर सेल्स बनते हैं, देन 16 सेल्स बनते हैं, देन 32 सेल्स बनते हैं, फिर 64 सेल्स बनते हैं। तो 32 को हम कहेंगे ब्लास्टुला स्टेज। तो क्या होगा कि जब अनइक्वल डिवीज़न हो रहा होगा मैक्रोमीयर्स में, और माइक्रोमीयर्स जो होंगे वो टॉप्स पे, उसका जो ऊपर की स्ट्रक्चर थी, जैसे ये मान लीजिए मैक्रोमीयर था और ऊपर की यहाँ पे माइक्रोमीयर है, ये डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये डिवाइड होता जा रहा है और ये स्ट्रक्चर नहीं डिवाइड हो रही है। तो जब इनकी बॉडी में फर्स्ट डिवीज़न होगा माइक्रोमीयर्स में, तो ये राइट की तरफ, ऊपर की तरफ पुश फॉरवर्ड होने लगेंगे। तो क्या होगा, इनके अंदर नया डिवीज़न होगा और ये एक तरह से शिफ्ट होंगे लेफ्ट की तरफ और राइट के अगेन। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम एक तरह का स्पायरल पैटर्न कहेंगे। आप देख सकते हैं, एक सेकंड में क्लियर करती हूँ सब। तो आई होप आपको दिख रहा होगा। तो जैसा आप देख सकते हैं, मैंने वेंट्रल व्यू लिया है यहाँ पर। तो इस तरह का ओरल सिलिया एंड ये देखिए ब्लास्टोपोर, ये स्ट्रक्चर, ये ब्लास्टोपोर बनी और यहाँ पर सिलिया का फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है। फिर इस तरह से इनका, इनमें मेटामॉर्फोसिस होगी। तो चलिए हम आगे देखते हैं, कुछ और थिंग्स हैं। तो डियर क्या होता है कि जो माइक्रोमीयर्स हैं वो जब लार्ज नंबर में प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं सोमैटोब्लास्ट। क्या कहते हैं? सोमैटोब्लास्ट, या हम इसे मिसेंटोमीयर्स भी कहते हैं।
तो सोमेटोब्लास्ट जो होता है वो मीसोडर्म, और जो मैक्रोमियर्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एंडोडर्म के थ्रू, जो मैक्रोमियर्स होते हैं। जो मैक्रोमियर्स हैं वो पुश होते हैं सोमेटोब्लास्ट के तरफ, इनसाइड के तरफ। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो मेसेंटोमियर्स है रिजल्ट इनटू मेसेंडर्म, एंड मैक्रोमियर्स प्रोड्यूस एंडोडर्म। मैक्रोमियर्स एंड जो मैक्रोमियर्स हैं और जो माइक्रोमियर्स हैं वो पुश होंगे, पुश करेंगे सोमेटोब्लास्ट की तरफ, इनसाइड की तरफ। फिर क्या होगा, इस तरह के डेवलपमेंट को, ये डेवलप जो है ये इन्वॉल्व होगा आपके ट्रांसफॉर्मेशन में इन सेल्स का, जो फॉर्म करेंगे एक तरह के वेरियस स्ट्रक्चर को, लार्वा को, जिस लार्वा को हम कहेंगे ट्रोकोफोर लार्वा। यानी जो आपका ब्लास्टो सील होता है या ब्लास्टोमियर बनता है उसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। यानी पहले टू सेल का फॉर्मेशन, देन मैक्रोमियर्स एंड मैक्रोमियर्स का फॉर्मेशन, फिर ये 4 में डिवाइड, देन 16 में डिवाइड, देन 32 में डिवाइड, फिर ये लार्वल स्टेजेस बनाने लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से ये स्पाइरल टफ्ट का फॉर्मेशन होगा, सीलियाज बनेंगे यहाँ ऊपर इनके डॉर्सल साइड पे भी और वेंट्रल साइड पे भी सीलिया का फॉर्मेशन होने लगेगा। ओके तो डियर, अब हम डिस्कस करेंगे ट्रोकोफोर लार्वा, यानी जो आपका ब्लास्टोसील कैविटी बना, ब्लास्टोमेयर बना, उससे किस तरह से लार्वा का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है कि जो लार्वा है नेरिस का, वो बहुत ही हम हिस्ट्री में भी देखते आ रहे हैं। ये अगर हम इसे माइक्रोस्कोपिक व्यू से भी देखें तो मेनली ये अनसेगमेंटेड होगा, मीन्स इसकी जो बॉडी होगी छोटे छोटे सेगमेंट या पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी, अनसेगमेंटेड स्मॉल होगा, और सिलिएटेड यानी सीलिया इसके डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड पे हर जगह पे प्रेजेंट होंगे, स्मॉल इस तरह के स्ट्रक्चर जिन्हें हम कहेंगे सीलिया। ठीक है, ये ब्रॉड होगा, एंटीरियर एंड जो है वो ब्रॉड होगा और जो पोस्टीरियर एंड होगा वो नैरो। जैसे आप देख सकते हैं पोस्टीरियर एंड नैरो है एंड एंटीरियर एंड काफ़ी ब्रॉड है। ठीक है, जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जब कर्व होगा और ओपन होगा माउथ में लेटरल साइड पे, जो कि ओएसोफेगस को लीड करेगा इंटेस्टाइन में। आप देख सकते हैं इसमें फुल्ली जो बाकी के स्ट्रक्चर होते हैं वो डेवलप है, जैसे ये एपिकल सेल्स एंड ये देखिए आई एंड देखिए सिलेटेड, यहाँ पर ये यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट है, देन यहाँ पे माउथ है। ठीक है, और यहाँ पर ये नर्व सेल्स हैं एंड ये एनस स्ट्रक्चर है, तो ये डेवलप होगा और ये इंटेस्टाइन स्टोमच वगैरह सब इसमें डेवलप होगा। तो जो माउथ है, माउथ के अबव प्रीओलर बैंड होगा सीलिया का प्रेजेंट होगा, एंड बिलो माउथ के बिलो पे भी पोस्ट ओरल बैंड सीलिया का प्रेजेंट होगा। फिर ये सीलिया की हेल्प से लार्वा जो होते हैं वो स्विम करते हैं, और इनका जो अपेक्स है, जो एपिकल टफ्ट है, यहाँ जो ये ऊपर का टफ्ट है इसे कहेंगे एपिकल टफ्ट। ठीक है, जो एपिकल टफ्ट है सीलिया वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और जो सेरेब्रल गैंग्लियन है नीचे यहाँ पर बिलो की तरफ, वहाँ पर दो आईज अभी मैंने आपको शो किए, यहाँ पे आईज पेयर में प्रेजेंट होंगे दो आईज, और ये लार्वा डेवलप करेगा एडल्ट एनिमल में और फिर बनाएगा नए नेरिस को। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग होती है और यही होता है आपका ट्रोकोफोर लार्वा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार हम मेटामॉर्फोसिस डिस्कस करते हैं इनमें। तो डियर, अब हम डिस्कस करेंगे किस तरह से मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है इनकी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं और फॉर्मेशन होता है उनका ब्रीडिंग सीजन के, जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है तब फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का। ओके, तो क्या होगा फिर, मैक्रोमियर्स एंड मैक्रोमियर्स बनेगा। देखिए, सबसे पहले मेल एंड फीमेल आपस में जब इन्होंने फर्टिलाइजेशन किया, फर्टिलाइजेशन करने के बाद आपका जायगोट, यहाँ पे ये ओवम हमने माना और इसको हमने स्पर्म माना, इन्होंने जब फॉर्मेशन किया, फर्टिलाइजेशन किया तब जायगोट बना, देन जायगोट में डेवलपमेंट या डिवीजन स्टार्ट हुआ, उसे हमने कहा क्लीवेज। तो क्लीवेज एक माइक्रो एक मैक्रोमियर, जो बड़ा स्ट्रक्चर है वो मैक्रोमियर, देन छोटा स्ट्रक्चर है वो माइक्रोमियर, फिर मैक्रोमियर एंड माइक्रोमियर डिवाइड होने स्टार्ट हुए, देन इन्होंने स्टेज बनाई ब्लास्टुला। ठीक है, ब्लास्टुला स्टेज में 64 सेल्स डेवलप हुए। ठीक है, फिर जो ब्लास्टुला स्टेज हुई उसे हमने कहा ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक है, वो लार्वा का फॉर्मेशन होने लगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सीलिया प्रेजेंट है इन्हें कहेंगे ओरल सीलिया, देन अंदर की स्ट्रक्चर ब्लास्टोपोर। ठीक है, फिर यहाँ पर ये
बाहर जो प्रेजेंट है ये है सर्क्यूम ब्लास्टोपोरल नर्व। फिर अगर हम इसका लेटरल व्यू देखें, अगर हमने वेंट्रल व्यू देखा था तो इस तरह से था, देन लेटरल व्यू में इस तरह से हमें एपिकल ऑर्गेन पे यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होने लगे, शो होने लगे। देन वेंट्रल व्यू में ये इस तरह से डेवलप करने लगा और फिर डेवलप करके फुल्ली इन्होंने बना लिया एक नेरिस। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होती है और यही स्ट्रक्चर बार बार यही थिंग्स चलते रहते हैं और आपका इसी प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मतलब एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का लार्वा से पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बन जाना, देन ऑर्गेनिज्म से फिर वही प्रोसेस होके लार्वा बन के, देन फिर ऑर्गेनिज्म बनना, लार्वा बनना, इस प्रोसेस को हम कहेंगे मेटामॉर्फोसिस। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जो आपके बहुत सारे टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड मैंने डिस्कस किए, अपलोड किए, आप उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। ओके, बाय बाय।